जवान भाइयों नमस्कार, जय भारतीय सेना। जवान भाइयों एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही बड़ी खबर है जवान रैंक के लिए और खासकर जवान संस्थाओं के लिए जो जवानों के लिए संघर्ष कर रही है, उनके हकों के लिए, उनके साथ हो रहे दोयम दर्जे के व्यवहार के लिए, उनके आत्म सम्मान के लिए। जवान भाइयों ये सब हो सका है आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के आशीर्वाद से। जवान भाइयों 74 सालों में देश आजाद होने के बाद में जिस तरह का जवानों के साथ संविधान को ताक पर रख के जवानों का शोषण बढ़ रहा है, उस हिसाब से ये बहुत बड़ी खबर है कि आज जवानों की शोषण की आवाज नेताओं की जुबान से बाहर आ रही। जवान भाइयों 11 सितंबर को राहुल गांधी ने पूछा जवान और अधिकारियों को क्यों दिया जाता है अलग अलग राशन। जवान भाइयों मैं पूर्व सैनिक कपिल फौजी सबका सैनिक संघर्ष कमेटी से। जवान भाइयों ये किसी से छुपा नहीं है कि 74 सालों में किस तरह से जो अंग्रेजों के बनाए हुए गुलाम भारत में कानून थे वह आजाद भारत में जवानों पे थोपे गए और उन्हीं कानूनों का सारा लेके संविधान को ताक पे रख के उनका शोषण, उनके आत्मसम्मान को गिराने का काम वो चलता आ रहा है। पर जवान भाइयों आज जब हम देख रहे हैं और जवानों के लिए मनोबल बढ़ाने के लिए भी बहुत बड़ी बात है कि देश के जाने माने नेता जवानों की भाषा बोल रहे। यह सब हो सके आप लोगों के सहयोग से। जवान भाइयों सबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने कभी भी किसी राजनीतिक दल या किसी राजनीतिक व्यक्ति का पल्लू नहीं पकड़ा है। जिस तरह से 74 साल की रिटायर्ड अफसरशाही ने राजनीतिक और राजनेताओं का इस्तेमाल करके अपने आप को सांसद या संवैधानिक पदों पर बैठाया है, वही बात सबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने राजनीति का इस्तेमाल किया है। राजनेताओं की जुबानी से जवानों की शोषण की आवाज 140 करोड़ लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करिए, बड़ी खुशी की बात है। कुछ जवान भाई राहुल गांधी ने 11 सितंबर को यह बात संसद की रक्षा मामलों की 27 समिति पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस की बैठक में राहुल गांधी ने सवाल किया कि सीमाओं पर तैनात जवान और अधिकारियों को भोजन अलग क्यों है। राहुल गांधी के सवाल पर सीडीएस विपिन रावत जी ने जवाब दिया कि ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले जवानों के खाने की आदतें और स्वाद अधिकारियों की तुलना में अलग होता है जो कि ज्यादातर शहरी पृष्ठभूमि से आते हैं। हालांकि मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि सैनिकों और अधिकारियों को परोसे जाने वाले भोजन की गुणवत्ता में कोई अंतर नहीं है। इसका मतलब जो जवान ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं और जो कमीशन अधिकारी शहरी पृष्ठभूमि से आते हैं उनका जो स्वाद है खाने का वो अलग अलग है। जवान भाइयों जो कमीशन अधिकारी गांव की पृष्ठभूमि से ऑफिसर बनता है तो क्या उसका भी स्वाद अलग अलग है। जो जवान भाई दिल्ली में रह रहे हैं या बंबई में रह रहे हैं, बेंगलोर में रह रहे हैं, क्या उनके घर पे रोटी और दाल के अलावा कुछ और पकता है? क्योंकि तकरीबन तो यही खाते हैं आप। ये आप इस तरह के उल्लू सुल्लू जो बयान दे रहे हैं जिसका कोई अर्थ ही नहीं है, जिसकी कोई पूछ नहीं है, किस तरह के बयान और किस तरह के दिए जा रहे। इससे पहले विपिन रावत जी ने जब महिलाओं को सताई कमीशन की बात आई थी तो उन्होंने बोला था कि ज्यादातर जवान गांव की पृष्ठभूमि से आते हैं। अगर सेना में अधिकारियों को फर्स्ट लाइन में भेजा गया, बॉर्डर पे भेजा गया, तो जब वो नहाएंगे या कपड़े चेंज करेंगे तो जब जवान ताक झांक करेंगे। मेरे को आज तक ये समझ में नहीं आया कि विपिन रावत जी जवानों के पीछे क्यों पड़े हुए कि उनकी पृष्ठभूमि गांव से आती है। तो माननीय विपिन रावत जी जो शहरों में रहते हैं उनकी भी पृष्ठभूमि तो गांव से ही आती है। जो हमारे जवान भाई चंडीगढ़ में, दिल्ली में, बंबई में कहीं भी रहते हैं उनके बच्चे भी तो अधिकारी बनते हैं, तो वो
जो हमारे जवान भाई हैं वो घर में क्या खाते हैं। जवान भाइयों, इसके बाद में हमने इसको पेज पे भी डाला, बहुत सारे जवान भाई आके कमेंट कर रहे हैं कि 70 साल में राहुल गांधी कहां थे, कांग्रेस कहां थी। अरे भाई, आप भी तो कहां थे, आप तो हो ना, आज आप उठा लो ये बातें। और इसमें भी ज्यादातर हमारी दो सेनाओं के जो पढ़े लिखे बोले जाते हैं वो इस तरह की बिचकानी हरकतें कर रहे हैं, शर्म तो उनको आ नहीं रही कि इस देश में किसी नेता ने तो बोला हम राहुल गांधी पे क्यों जा रहे, हम राहुल गांधी ने जो बोला हम उन शब्दों पे जाएं, सिर्फ हमारा इतना ही यूज है। जवान भाइयों, हमने यूज किया है राजनीतिक और राजनेताओं को, हमने डिफेंस मंत्रालय में डिफेंस मिनिस्टर तक आज तक 6 मीटिंग की है, देश के बहुत सारे नेताओं से मिले हैं, अलग अलग पार्टियों से मिले हैं। जो पिछला 70 हुआ था उसमें एक हमारे मुस्लिम समाज के एक सांसद हैं हमीउल्लाह, उन्होंने संसद के अंदर एक प्रश्नकाल में पूछा कि जवान आत्महत्या क्यों कर रही। जवान भाइयों, आज भी हमने जो 14 सितंबर से 70 चल रहा है उसमें भी हमने बीजेपी के और कांग्रेस के सांसदों को मांग पत्र दिया है कि आप संसद के पटल पर रखें या प्रश्नकाल में पूछें। जवान भाइयों, यहां यह सीखने की चीज है कि जो जवान 74 साल में दबे कुचले की तरह कुर्सी और दरियां बिछा रहे थे रिटायर्ड ऑफिसरों के नीचे, वो आज खुद नेतृत्व कर रहे हैं, वो खुद अपनी मांग लेके जा रहे हैं देश के नेताओं के पास में, सरकार के पास में। वो सरकार को बता रहे कि संविधान को ताक पर रख के जवानों का शोषण प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। जवान भाइयों, ये फोटो आप देखो, ये सोशल मीडिया पे है, ये खाने की है। मेरा फिर सवाल है, क्या जली हुई रोटियां या दाल पानी वाली या राशन में चलते हुए वो छोटे छोटे सफेद वाइट कीड़े, चावलों में चूहे की बहुत सारी चीजें, जब सब्जी आती है वो बोरियों में भर के आती हैं, कच्चे केले आते हैं बोरियों में भर के, फ्रूट आता है, सब्जी आता है, उनका कचुम्बर निकल जाता है, उसमें से छाट के बनाते हैं, क्या जो ये फोटो चल रहे हैं क्या ऐसी सब्जी जवानों के लिए आती है। दूसरी बात, माननीय विपिन रावत जी से, विपिन रावत जी आप ये भी बताएं कि सब्सिडी किसको दी जाती है, गरीब को या अमीर को। 92 से पहले तो ऑफिसर का राशन होता ही नहीं था, अभी बंद किया गया था तो उसके ऊपर हंगामा हो गया, वो खोल दिया गया। जवान भाइयों, ये वो संजीवनी है जो माननीय राहुल गांधी ने उठाई है, जवानों जो सच्चाई में, जो सच में जवानों के हकों के लिए लड़ रहे हैं, उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए संजीवनी है। राहुल गांधी से कोई मतलब नहीं, राहुल गांधी ने जो बोला है उससे मतलब है। अगर हम ये सोच के रह गए कि 74 साल में कांग्रेस ने क्या किया, तो भाइयों मैं पहले भी बोल चुका हूं कि 74 साल की सरकारों ने जवानों के लिए बहुत कुछ किया है। जब भी जवानों की मांगे 74 साल में गई हैं, सरकार ने मानी है। पर आप पहले ये बताएं कि जवानों की मांग ले जाने वाला कौन था, जवानों की रैलियों का नेतृत्व करने वाला कौन था, जवानों की रैलियों में भाषण देने वाला कौन था, जवानों की रैलियों में वीआईपी माननीय प्रधानमंत्री माननीय मुख्यमंत्रियों के पास में उसके सोफे पे बैठने वाला कौन था, और मांगों को ले जाकर रक्षा मंत्रालय में मिलने वाला कौन था। तो बात आपको सारी साफ हो जाएंगी। तो मांगे तो मानी गई है, पर किसकी मानी गई। जवान भाइयों, बहुत ही मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूं जो आप लोग हमारा हौसला अफजाई करते हैं, और हमने कुछ सालों में वो कर दिखाया जो 74 सालों में जो कभी कुछ नहीं हुआ था। अगर इसी तरह सहयोग रहा, अगर इसी तरह हमारी जितनी भी सोसाइटियां हैं देश की वो किसी राजनीति के या राजनेता पहलू का पल्लू पकड़ के लड़ेंगी, तो हम
बहुत आगे जाएंगे। अगर इसी तरह से सारी कमेटियां, जिस तरह से आज सबका सैनिक संघर्ष कमेटी, बगैर किसी राजनीतिक का पहलू पकड़े हुए सिर्फ जवानों की बात करती है, जवानों की मांगों के ऊपर नेताओं से मिलती है, हमारे को फोटो खिंचवाने का बिल्कुल भी शौक नहीं है, और मेरे को तो खासकर नहीं है। मैं तो यूज करना जानता हूं, जवानों की बात देश में 140 करोड़ों में पहुंचाना चाहता हूं, इतना मैं जानता हूं। जवान भाइयों, जय हिंद, वंदे मातरम। और इस वीडियो को भाई ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, और अपने पेज को उसको भी लाइक और सब्सक्राइब करना, जिससे हम इस तरह की न्यूज आपको दे सकें। जय हिंद, वंदे मातरम।